राजस्थान के उदयपुर जिले में आदमखोर पेंथर का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिसने स्थानीय निवासियों को सख्त डर में डाल दिया है। जब भी लोगों को लगता है कि स्थिति सामान्य हो रही है, अचानक तेंदुए की आहट से पूरा जिला सहम जाता है। 19 सितंबर से वन विभाग की टीम पैंथर को पकड़ने के लिए जुटी हुई है, लेकिन अब तक उसे पकड़ने में कोई सफलता नहीं मिल पाई है। मंगलवार को उदयपुर में सटे बड़ी गांव में तेंदुए ने हिराइशी इलाके में स्थित पशुशाला में घुसकर बंदी गाय पर हमला कर दिया। गाय की मौत की खबर से गांव में हड़कंप मच गया। इस घटना के समय एक महिला दूध दुहने के लिए शेड में गई थी, जहां उसने पैंथर को देखा और शोर मचाना शुरू कर दिया। महिला के चिल्लाने पर पैंथर भाग गया, लेकिन मौके पर उसके पग मार्क मिले, जिससे इस घटना की गंभीरता का पता चलता है। आदमखोर पैंथर के आतंक ने लोगों के मन में डर का माहौल बना रखा है। बताया जा रहा है कि इस पैंथर ने पिछले कुछ महीनों में 8 लोगों की जान ली है। गोगुंदा से शुरू हुआ यह आतंक पूरे इलाके में फैल चुका है। रात होते ही लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं, क्योंकि तेंदुए का खतरा उन्हें हर समय सताता है। पैंथर को पकड़ने के लिए वन विभाग, पुलिस, सेना के जवान और शूटरों की अलग अलग टीमें प्रयासरत है। 100 से ज्यादा कर्मचारी तेंदुए को पकड़ने के लिए जुटे हैं, लेकिन सफलता अभी भी दूर है। लोग इलाके में तेंदुए के पेट मार्क देख चुके हैं और हाल ही में बड़ी गांव में पैंथर की मौजूदगी की पुष्टि भी हुई है। स्थानीय निवासियों की सुरक्षा के लिए उचित निवारण उपायों की आवश्यकता है। वन विभाग को चाहिए कि वे अधिक प्रभावी रणनीतियों के साथ इस समस्या का समाधान करें। साथ ही समुदाय को जागरूक करने की जरूरत है, ताकि वे तेंदुए की गतिविधियों के प्रति सजग रहे और सुरक्षित रहे। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को। धन्यवाद।